हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसमें हम लोग चेयर स्क्वाट के साथ शोल्डर प्रेस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं चेयर स्क्वाट के बारे में। तो इसमें आपका स्टांस जो रहेगा वो शोल्डर विथ रहेगा। शोल्डर विथ स्टांस लेने के बाद आपको पीछे एज अ चेयर एक बेंच लेना है। फिर हम स्क्वाट्स करेंगे, इसमें आपके टोज थोड़े स्लाइटली वाइड एंगल में रहेंगे और आपको नीज भी आपके टोज के एंगल में जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। और आपको नॉर्मल चेयर स्क्वाट करना है। अभी हम देखते हैं हमें शोल्डर प्रेस कैसे ऐड करेंगे। तो डंबल लेने के बाद आपको डंबल आपके हिप्स के नजदीक रखना है और चेयर स्क्वाट की पोजीशन में आना है और इसे आपको स्विंग करके शोल्डर तक लेना है और उसके बाद हम लोग शोल्डर प्रेस करेंगे। तो अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। डंबल को स्विंग करके शोल्डर पे जाना है और चेयर स्क्वाट करना है। देन गो फॉर शोल्डर प्रेस, देन अगेन ऑन शोल्डर, स्विंग करके चेयर स्क्वाट कंप्लीट करके डंबल को रिलैक्स करना है। तो चलिए देखते हैं सेट। स्विंग किया शोल्डर पे, चेयर स्क्वाट, शोल्डर प्रेस, देन अगेन ऑन शोल्डर, कंप्लीट। ओके गो। कॉम्बिनेशन करके आप आपके शोल्डर और लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको मसल बिल्डअप में भी इससे हेल्प होगा। आपका जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप इस वेट को बढ़ा सकते हो। अभी मैंने 5 kg से किया, आप 7.5 kg, 10 kg वक्त के साथ बदल सकते हो, खुद को अपग्रेड कर सकते हो। इससे आपको आपके शोल्डर और लेग्स को टोन करने में, उनका स्ट्रेंथ बढ़ाने में और वैसे ही आपको फैट लॉस में भी इससे बहुत हेल्प होगी। याद रखे ये सेट करते वक्त आपको शोल्डर को जर्क नहीं करना है। आप इसके 2 से 3 सेट कर सकते हो। रिपीटेशन में आप 10, 12, 15 ऐसे भी रिपीटेशन कर सकते हो। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।